मंत्री कोतागुड़म जिले में 13 मई को मुनक्कद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रायदेही के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी अमले की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अपने अपने मुतालिका मराकज को पहुंचने का सिलसिला जारी है। इंतखाबी अमले ने उम्मीदवारों के नमूने के कागजात, ईवीएम मशीनें और दीगर इंतखाबी मवाद हासिल करके मुतालिका मराकज पहुंच रहे हैं। इस मौके पर जिले कलेक्टर प्रियंका आला ने कहा है कि बदरादरी कोतागुड़म जिले में कल होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग के पुरमन माहौल में इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिले कलेक्टर प्रियंका आला, जिन्होंने भद्राद्री कोतागुड़म जिले के आशवाराव पेट में वाके एग्रीकल्चर कॉलेज के इहाते में ईवीएम तकसीम मरकज का मुआयना किया और अमले को मुनासिब हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने प्रेसिडाइंग ऑफिसर को हिदायत दी है कि वो चेकलिस्ट की बुनियाद पर अपने फराइज को मुनज्जम तरीके से अंजाम दें। ज़ाबता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाजे किया है कि एजेंट्स 13 तारीख को सुबह 5 बजे तक पोलिंग मराकज पहुंच जाए और पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हो जाए। हल्के पार्लियामेंट जहीराबाद के इंतखाबात जो 13 मई को होने वाले हैं, इस सिलसिले में आज हल्के असम्बली नारायण खेड़ 237 पोलिंग स्टेशनों के लिए वीवीपैट्स, ईवीएम्स और दीगर मटेरियल्स के साथ मवाजियात में कायम करदा पोलिंग स्टेशनों को स्टाफ के साथ पुलिस बंदोबस्त की मौजूदगी में रवाना हुए। इस मौके पर असिस्टेंट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर नारायण खेड़, अशोक चक्रवर्ती और दीगर सरकारी अहदेदारों ने गवर्नमेंट मॉडल डिग्री नारायण खेड़ से इंतखाबी अमले को रवाना किया।